चैनल फूड एंड ट्रैवल एक्सप्रेस एंड वेलकम बैक टू अनदर फूड रिव्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये सबकी फेवरेट होने वाली है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो सूजल है, चाहे वो छोटा बच्चा है, नायरा है या बड़ा है, हर किसी को पसंद है आइसक्रीम। और आज हम आ गए हैं आइसक्रीम स्पेशल वीडियो बनाने, और चलिए हम चलते हैं टेस्टिंग करने और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशल मिल रहा है। जो भी स्पेशल होगा हम यहाँ पे शूट करेंगे और टेस्ट करेंगे, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा। सो लेट्स गो। दो जनरेशन से जो अभी हमारे साथ अवेलेबल है यहीं पे, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे क्या स्पेशल है और क्या ये हमें टेस्ट करवाएंगे और लोगों को यहाँ पे क्या पसंद आ रहा है, कितने टाइम से ये मंजीत आइसक्रीम की शॉप है, तो सारी बातें इनसे पूछते हैं। तो लेट्स गो। सत्यकाल सारियां नूं, पहले तो मैं तुम्हें यही पूछना चाहूंगी कि अपनी जनरेशन के बारे दस दो, और मैं दस दो कि मंजीत आइसक्रीम स्टार्ट किन्ने कीती सी। मंजीत आइसक्रीम मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू की थी 1967। ग्रैंडफादर मतलब अंकल जी दे फादर। मंजीत आइसक्रीम नाम जरा पापा ने नाम पे। ओके ठीक है। आज असि अभी थर्ड जनरेशन है, अच्छी तीसरी जनरेशन है जी अपने काम को संभाल रहे हैं। साड़ी काफी चीजा की स्पेशलिटी है जो शुरू तो साडा चलता आ रहा, साडा मिक्स फ्रूट आइसक्रीम स्पेशलिटी है। फलूदा कुल्फी यहाँ पर 50 टू 16 फ्लेवर। सबसे ज्यादा अगर लोगों को पसंद आता है वो कौन सा फ्लेवर होगा? हमारे जो फ्लेवर है वैसे मिक्स फ्रूट हमारा ज्यादातर सबको पसंद आता है। ओके तकरीबन जितने भी बाकी के सारे फ्लेवर है सारी पसंद करते हैं सभी। तो आप मुझे क्या रिकमेंड करोगे कि मैं क्या टेस्ट करूँ यहाँ पे? आपको सभी खिलाते हैं नहीं सभी आप हमारे पास मिक्स फ्रूट ट्राई करो। स्पेशल पैकिंग है जी, टब्स में साड़ी प्रीमियम आइसक्रीम है सारे, ये साड़ी मिक्स फ्रूट आइसक्रीम का हाफ के जी का पैक है, ड्राई फ्रूट आइसक्रीम का उसका हाफ के जी का पैक है, 250 ग्राम पाइया का पैक है, एक कॉटन कैंडी फ्लेवर, अमेरिकन नट्स, पाम, ओरियो, रेड वेलवेट, चॉकलेट ओरियो, कॉफी, आलमंड क्रंच, ये साडे सारे स्पेशल फ्लेवर ने और ये सारे साडे कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ मेकिंग हो रही है हमारी फलूदा कुल्फी की, प्लीज पीछे की जो ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और मेकिंग की तरफ पूरा ध्यान दीजिएगा। 55 ईयर्स हो गए हैं भैया को आइसक्रीम बनाते, तो क्या टेस्ट होगा अब तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। ड्राई फ्रूट जा रहे हैं और ड्राई फ्रूट देख के तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। तो ये हो गई है रेडी हमारी रबड़ी कुल्फी या फिर मटका कुल्फी, कुछ भी कह सकते हो। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रबड़ी कुल्फी या फिर मटका कुल्फी कह सकते हो वो हमारे पास आ चुकी है, तो हम इसको टेस्ट करते हैं। सो लेट्स टेस्ट। ड्राई फ्रूट से भरी हुई है, बड़ी रबड़ी। सुपर्ब टेस्ट, बार मौसम मीठा मीठा है और ये रबड़ी कुल्फी खाने में इतनी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी तरफ से तो ये पास है बिल्कुल।
सो अभी हम इसको खत्म करते हैं और नेक्स्ट शूट करते हैं, देखते हैं कि और क्या यहाँ पे मिलेगा टेस्टिंग के लिए। हमारी बन रही है मिक्स फ्रूट जो यहाँ की स्पेशल है। और भैया इसको इसकी स्पेशलिटी बता दो, इसकी स्पेशलिटी क्या है? हमारे दो फ्लेवर स्पेशल है जी, मैंगो और पाइनएप्पल। व्हाइट वाला जो पाइनएप्पल मिक्स फ्रूट है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा लुधियाना में। ओके। और ये हमारी जो ये मैंगो की स्पेशलिटी है, इसमें हम लोग मैंगो का फल ऐड करते हैं फ्रेश मैंगो। थैंक यू। तो ये हमारे पास आ गई है यहाँ पे ड्राई फ्रूट स्पेशल, मंजी स्पेशल बोल सकते हो आप। और इसकी एक स्पेशलिटी है, मैंने लुधियाना में बहुत जगह आइसक्रीम ट्राई की है, चावला की आइसक्रीम भी मैंने ट्राई की है, लेकिन जो ये ड्राई फ्रूट आइसक्रीम है इसमें सिर्फ एक ही फ्लेवर मिलता है, लेकिन यहाँ पे दो दो फ्लेवर मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक है पाइनएप्पल ड्राई फ्रूट एंड एक है मैंगो ड्राई फ्रूट आइसक्रीम जो बहुत स्पेशल है। भैया ने बोला है कि जो मैंगो वाली ये बनाते हैं उसमें ये मैंगो की पल्प ऐड करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवर्स ऐड नहीं होते, सिर्फ ओरिजिनल मैंगो की पल्प। सो अभी इसको मैं टेस्ट करने जा रही हूँ। इसको मन ही नहीं करना है छोड़ने का, इतनी टेस्टी है ये आइसक्रीम। अब मुझे रिव्यू देने की क्या जरूरत है, आप मेरे एक्सप्रेशन से नोट कर सकते हो कि ये आइसक्रीम मुझे कितनी पसंद आई है। तो अभी मेरा पेट बिल्कुल फिल हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट जो आइसक्रीम है उसका रिव्यू सुजल करेगा। तो अभी मेरी आइसक्रीम लगने जा रही है, मैं थोड़े अलग फ्लेवर ट्राई करूंगा, बेस सेम ही रहूंगा जो ओरिजिनल है इन्हें। ये वाली है मैंगो वाली, वो है पाइनएप्पल वाली। तो आओ दूजे पासे चलते हैं। सो ये इत्थे इन्हें दी न्यू आइसक्रीम जो इन्हें लॉन्च की है कॉटन कैंडी ते अमेरिकन नट उपर दे उपर क्या वा। So, मेरी आइसक्रीम सो एनो मैं एंजॉय करूंगा। और ये सुजल ट्राई कर रहा है अपनी फेवरेट आइसक्रीम जी। ए आइसक्रीम मैं स्पेशली बनवाना जेडी एच चार फ्लेवर मिक्स है, सो ये मैं खाना रहना वैसे तो बहुत ही यम्मी है। और ये अपने घर पे इनकी आइसक्रीम खत्म नहीं होने देता, ये डिस्क्लेमर है इस वीडियो के। सो हम अपनी अभी आइसक्रीम एंजॉय करते हैं एंड मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी विंटर्स चल रही है तो सर्दियों की आइटम तो अवेलेबल है ही, गजरेला देख सकते हो ड्राई फ्रूट से भरा हुआ। और साथ ही में हम चलते हैं मेरे और सुंदर के फेवरेट गुलाब जामुन पे, ये भी दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मैं वैसे तो मैं अगर आपको बता दूं गुलाब जामुन में कहीं पे भी इनको मैं देख के इतनी खुश हो जाती हूँ कि मुझे आइसक्रीम याद ही नहीं रहती है, लेकिन चलो छोड़ देते हैं। आज करंट जनरेशन जो मंजीत आइसक्रीम को चला रही है एंड उनके पीछे आप देख सकते हो जो आप भैया बताओ कि वो आप कौन है जिन्होंने मंजीत आइसक्रीम को स्टार्ट किया था, तो उनका बहुत क्रेडिट है इस मंजीत आइसक्रीम को स्टार्ट करने में। थोड़ा सा सिटिंग एरिया भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर सिटिंग एरिया भी आप देख सकते हो, अच्छी अरेंजमेंट है, आइसक्रीम फैमिली के साथ एंजॉय करनी है तो अंदर बैठ के खाइए। और अब थोड़ी सी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो भैया आपका जो स्पेशल आपने बोला ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम है उसका क्या रेट है? कप एंड कोन, जो कप और कोन दोनों का प्राइस सेम है वो 50 रुपीज का। 50 रुपीज। और मक्के वाली कुल्फी का? फलूदा कुल्फी 60 की। और मिल्क बदाम? मिल्क बदाम यहाँ पर हम लोग 45 का देते हैं। वेरी गुड, वेरी रीजनेबल प्राइसिंग है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। और मुझे टेस्ट तो एक क्लास लगा, इतनी टेस्टी लगी ना आइसक्रीम, बहुत ही मजा आया। सो अभी बता देती हूँ कि एड्रेस क्या है। एड्रेस है ये मेन कोचर मार्केट चौक में मंजीत आइसक्रीम पार्लर के नेम से। तो आप जरूर आइए यहाँ पे और टेस्ट कीजिए यहाँ की आइसक्रीम को और वेराइटीज को। तो मैं आपको मिलती हूँ किसी तरह अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए, अच्छी अच्छी वेराइटीज टेस्ट करते रहिए। सो सी यू सून।